नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजनीति, प्रदेश की राजनीति, और इसमें बहुत से बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। कई सवाल की शहरी कांग्रेसी जाए तो भला कहां जाए, ये सवाल खड़ा होता है। खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे। बीकानेर की सियासत में किस तरीके से बीजेपी के अंदर जो अदावत चल रही थी, जो रस्साकसी चल रही थी, वो किस तरीके से खत्म होती नजर आ रही है, पहल कौन करने वाला है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ ऐसे नेता जिनका ज्ञान इतना अल्प कि अपनी ही सरकार में अपनी ही पार्टी के विदेश मंत्री तक को वो जानते नहीं। हर खबर आपको दिखाएंगे और हर खबर का डीएनए भी करेंगे, यानी कि दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसके बाद सवाल खड़ा होता है कि बेचारे शहरी कांग्रेसी जाएं तो कहां जाएं, दिल्ली नहीं, टिकट के लिए नहीं। दरअसल एक खबर कुछ अलग है, क्योंकि लंबे अरसे से शहर कांग्रेस के पास अपना दफ्तर नहीं है। जो बनता है शहर अध्यक्ष अपने खर्चे पर दफ्तर चलाता है, ऐसे में अगर शहर अध्यक्ष व्यक्तिगत कार्य से हो जाए बाहर तो मारे मारे फिरना शहरी कांग्रेसियों की हालत हो जाती है। बिना ठिए के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहता और यही वजह सामने आई है। पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर पहुंचा है, यानी कि बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और ये खबर उदयपुर से है। दरअसल वहां पर शहर अध्यक्ष का दफ्तर नहीं है और अब बिना दफ्तर किस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाली, अपने आप में गंभीर सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अजब गजब घटनाएं सिर्फ हाथ वाली पार्टी के अंदर हो रही है। दरअसल फूल वाली जो पार्टी है उसके अंदर भी कुछ अजब ज्ञान नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा के संभावित दो दावेदारों का अजब ज्ञान नजर आ रहा है। भाषाई दक्षता के प्रकरण में दोनों ही किसड्डी साबित हो रही। कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी अज्ञानता से जग हसाई भी करा चुके, अपनी भी और अपनी पार्टी की। आज ऐसे ही एक दावेदार अपने संबोधन में भूल गए विदेश मंत्री का नाम। लंबे समय तक लगातार लेते रहे कुछ ना कुछ नाम, फिर किसी के सुझाने पर सही उच्चारण किया गया, जबकि अपनी बातों में ठोक रहे थे इस दुनिया का अपार ज्ञान। लेकिन अज्ञान, अफसोस, अपनी ही पार्टी के विदेश मंत्री का नाम वो नहीं जानते। लेकिन बीजेपी यानी कि कमल वाली पार्टी में रस्साकस्सी भी चलती रहती है और यही हमारी अगली खबर है, क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की सियासत और देवी सिंह भाटी से खत्म हो सकती है अदावत। देवी सिंह भाटी, अर्जुन राम मेघवाल आपस में दो धुरी बीकानेर के अंदर माने जाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मैं पहल को तैयार, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि, चुनाव में नहीं उठाने देना है कांग्रेस को लाभ, मैंने नेतृत्व को सब बता दिया है। भाटी के बयानों से पार्टी को नुकसान हुआ है, इसके बावजूद मैं अदावत नहीं चाहता। अब इसका एक अपना बड़ा कारण मान सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा सांसद, उनको टिकट यहां पर मिलना लगभग तय। अब अगर उनको टिकट मिलेगा और बीजेपी के अंदर ही अदावत रहेगी, अंदर ही कार सेवा होती रहेगी, तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बड़प्पन यहां पर दिखा दिया गया कि मैं अदावत को खत्म करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कूटनीति, इसको आप कह सकते हैं राजनीति के साथ की कूटनीति, वो प्रदेश बीजेपी में घर वापसी की कूटनीति भी तैयार हो रही है। कई पुराने दिग्गज लौटने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। अब ये दिग्गज संघ और संगठन पर उच्च स्तर पर इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सुरेंद्र गोयल की घर वापसी पर फिलहाल वीटो है। चुनाव में संघ के खिलाफ हुंकार भरी थी, विधानसभा चुनाव में मात्र संगठन को कोसा था। हालांकि कुछ बागियों पर बन गई है सहमति, लेकिन ये बागी कौन कौन, क्या राजकुमार रिणवा इसका नाम, क्या कोई और, जिन्होंने बगावत कर विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मैदान में ताल ठोक दी थी और उसके बाद हार भी गए थे, क्या इसके बाद घर वापसी की कूटनीति तैयार यहां पर हो रही है। दरअसल नेता ही अपनी पार्टी में वापस आने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि अधिकारी भी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी कर रहे हैं। और यही हमारी अगली खबर है। एक आईएएस और एक आईपीएस की निगाहें टोंक सवाई माधोपुर सीट पर टिकी हुई है। दोनों ही अधिकारी जता चुके हैं चुनाव लड़ने की इच्छा अपने अपने स्तर पर, कांग्रेसी नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं। हरी झंडी मिलते ही दोनों ही अधिकारी बीआरएस लेने को तैयार हो जाएंगे और जातीय समीकरण के आधार पर जता रहे हैं दोनों ही दावेदारी। अब टोंक सवाई माधोपुर सीट को जरा समझिए, जहां पर
राजनीति अपने आप में उठापटक नजर आती है और इस बीच बहुत से इस वक्त वर्तमान सिचुएशन में नेता हैं जो अधिकारी रहे थे, और यह भी कहा जा सकता है कि अधिकारी सिस्टम से ज्यादा सरकार का हिस्सा बनने में लालायित यहां पर दिखाई दे रही है। बहरहाल झुंझुनू का सियासी किस्सा आपको सुनाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सियासत यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है और झुंझुनू से ओला परिवार के खिलाफ दावेदारी यहां पर दिखाई दे रही है। श्रवण कुमार ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, झुंझुनू से लोकसभा का टिकट श्रवण कुमार यहां पर चाह रहे हैं। एक तरफ ओला परिवार जिन्होंने लंबे वक्त तक झुंझुनू और शेखावटी में अपना दबदबा कायम रखा, और अब उस दबदबे के खिलाफ श्रवण कुमार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं। लेकिन क्या शेखावटी में ओला परिवार को दरकिनार कर श्रवण कुमार को टिकट देना कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होगा या फिर घाटे का, यह टिकट वितरण के बाद साफ होगा। लेकिन स्वरूप जरूर बदलना शुरू हो चुका है और बीजेपी के अंदर भी यह स्वरूप बदलना शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता कालूलाल गुर्जर का स्वरूप बदला है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय गुर्जराय महासभा की तरफ से मदनलाल सैनी चंद्रशेखर से मुलाकात भी की, गुर्जर समाज को भीलवाड़ा कोटा जयपुर ग्रामीण से टिकट दिलाने की मांग भी की। इससे पहले भी अन्य गुर्जर नेता कर चुके हैं ऐसी ही मांग, यानी कि जयपुर ग्रामीण कोटा और भीलवाड़ा जहां से टिकट गुर्जर समाज को दी जाए। भीलवाड़ा को जरा समझिए, भीलवाड़ा एक तरीके से छोटा नागपुर कहा जाता है, संघ बहुत ज्यादा वहां पर मजबूत है। दूसरी तरफ कोटा को समझिए, हाड़ोती को समझिए, इसको भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और तीसरी तरफ जयपुर ग्रामीण, लेकिन जयपुर ग्रामीण सीट जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वहां से क्या गुर्जर को उतारा जा सकता है, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। लेकिन नहीं बैठूंगा कुर्सी पर, करता रहूंगा काम, ये अब किसने कह दिया है? ये बयान अपने आप में अहम और यही हमारी अगली खबर भी है। सुनील भार्गव इसी अंदाज में काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, काम करते रहेंगे। बीजेपी में शामिल हुए लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठे, उनसे मीडिया कक्ष में बैठने को कहा गया, इनकार करते हुए साधारण तरीके से संभाल लिया काम, राज्यपाल छोड़कर वापस अपनी ही पार्टी में सुनील भार्गव आ गए, बीजेपी में आ गए। एक दौर था जब वो मीडिया संभालते थे बीजेपी की तरफ से, 2013 के चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ अदावत कर दी, राज्यपाल ज्वाइन की। लेकिन अब राज्यपाल की जिससे पहचान राजस्थान में थी किरोड़ी लाल मीणा, जब वो ही बीजेपी में विलय कर गए तो फिर सुनील भार्गव आखिर कब तक दूर रहते, वो भी वापस आए। अब कह रहे हैं कि कुर्सी नहीं चाहिए, वो बीजेपी के लिए काम करते नजर आएंगे, लेकिन क्या वो बीजेपी की तीसरी आंख बन पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल और यही हमारी अगली खबर भी है। बीजेपी की तीसरी आंख, नित नई घटनाओं के लिए बीजेपी में सेल है, वो रूम में हर चैनल पर नजर रखी जा रही है और प्रत्येक सियासी खबर पर तीखी आंख गड़ी जा रही है, तीसरी आंख गड़ी जा रही है। यानी कि अब मीडिया पर भी मॉनिटरिंग बीजेपी कर रही है कि आखिर कौन से चैनल में किस तरीके की खबरों को दिखाया जा रहा है, किस तरीके से खबरों को उठाया जा रहा है। और उस दौरान जो बीजेपी के प्रवक्ता मीडिया के अंदर बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो कितने पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को रख पा रहे हैं, यानी कि जनता तक पहुंचने का माध्यम जो मीडिया है उसमें बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से काम करें, इसकी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। वैसे इसको अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया में जितने बेहतर प्रवक्ता आएंगे उतनी मजबूती से अपनी पार्टी का पक्ष भी रख पाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 बीजेपी का जिक्र हम कर रहे हैं, तो यहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी कोर की टीम और चुनाव प्रबंधन की कल अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक है। अब इसमें कौन कौन आने वाला है, इस पर जरा नजर डालें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आने वाले हैं, ओम माथुर आने वाले हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश होंगे, बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर होंगे, सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी समेत बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर यह अहम बैठक होगी। मोदी शाह और अमित शाह की आगामी दौरों को लेकर भी मंत्रणा यहां पर होती नजर आएगी और टिकट वितरण को लेकर योग्यतम प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा होनी है। इस दौरान अंदर खाने खबर यह भी सियासी गलियारों में चल रही है कि लगभग नाम फाइनल है, लेकिन मंत्रणा फिर से की जा रही है ताकि अगर किसी नाम पर कोई सस्पेंस यहां पर बना हुआ है तो उस सस्पेंस को खत्म किया जाए और फिर 25 लोकसभा सीटों पर नामों की घोषणा कर दी जाए। एक खबर यह भी चल रही है कि 8 से 10 वर्तमान लोकसभा सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है। इसके अलावा एक और नाम चल रहा है, यह हमारी अगली खबर है, जयपुर शहर से एक नाम पर चर्चा है, सुनील कोठारी के नाम पर चर्चा हुई है।
जैन समाज की तरफ से नुमाइंदगी के तौर पर वो दावेदारी यहाँ पर जता रही हैं। हालांकि जयपुर से टिकट मांगने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। कल होने वाली कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होनी है। जयपुर के कई नामों पर चर्चा यहाँ पर होनी है, लेकिन क्या सांसद रामचरण बोहरा का टिकट यहाँ पर काट दिया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है। सांसद रामचरण बोहरा के टिकट की दावेदारी की राह में कौन कौन से अन्य नेता आने वाले हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन जयपुर, जयपुर संभाग और उसी का एक जिला दौसा, इसका जिक्र हम यहां पर इसलिए करें क्योंकि दौसा जिले के एक माननीय इतना बड़ा मान रहे हैं अपने कद को कि लोकसभा चुनाव में कूदने की वो तैयारी कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक दलों से संपर्क बनाए हुए हैं। जिले की सियासत में चर्चाएं गर्म है। कांग्रेस से हाथ मिलाने को भी वो तैयार है। भूल का साथ मिले तो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन नेताजी भूल गए कि पिछले चुनाव का हश्र कमल की सुगंध भी हो गई थी। हाथ ने भी लाख मिन्नतों के बाद साथ नहीं दिया था, लेकिन कहते हैं कि सियासत बदलती रहती है और जब समीकरण किसी के पक्ष में होते हैं तो उसके लिए फिर इतिहास मायने नहीं रखता है। भविष्य की रूपरेखा के साथ वर्तमान के कसीदे गढ़ दिए जाते हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट और दिलचस्प सियासत यहां पर नजर आ रही है। आरयू से निकले अधिकांश छात्र संघ अध्यक्ष यहां से टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस में मनीष यादव, अनिल चोपड़ा के नाम चर्चाओं में है। बीजेपी में राजपाल सिंह शेखावत के नाम पर भी चर्चा है। खास बात यह है कि राजपाल सिंह, मनीष यादव हार गए थे विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा के चुनाव के लिए दावेदारी ठोकी जा रही है, यानी कि एक विधानसभा में हारे आठ विधानसभा में जीतना पड़ेगा। लोकसभा का सांसद तब चुना जाएगा। और इसके अलावा भी कांग्रेस में कौन कौन सी नेता टिकट मांग रहे हैं, जिक्र जयपुर सीट का ही हम कर रहे हैं। राजपाल शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। महेश जोशी का नाम भी कांग्रेस के हलकों में चर्चाओं में चल रहा है। जोशी हवा महल से कांग्रेस विधायक और सरकारी मुख्य सचेतक भी हैं। इसके अलावा अशोक लाहोटी, अखिल शुक्ला, प्रवीण शर्मा चाह रहे हैं बीजेपी से टिकट। लाहोटी है सांगानेर से बीजेपी के विधायक। अब अगर लाहोटी को टिकट मिलता है तो यह अपने आप में एक साल के अंदर एक एक करके पायदान चढ़ना होगा। पहले पार्षद, फिर मेयर, फिर विधायक और अब सांसद का अगर टिकट मिलता है तो फिर लोकसभा में जा भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, लेकिन एक एक करके पायदान आगे चढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगली खबर हम आपको बताते हैं, पांच सीटों पर तोड़ निकालने में कांग्रेस जुटी हुई है। ये पांच सीट वो जहां पर मंथन अभी बिचारी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। अब ये पांच सीट कौन कौन सी है, ये दरअसल है झालावाड़, बीकानेर, चूरू, ये सिरदर्द बनी हुई है। इसके अलावा दौसा और जालोर सिरोही भी नहीं जीत पा रही कांग्रेस। ये दरअसल पांच सीटें वो है जहां पिछले दो चुनाव से कांग्रेस जीत नहीं पाई है। और झालावाड़ तो एक ऐसी सीट जहां पर आठ चुनावों से कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है, यानी कि बीते 40 सालों से कांग्रेस वहां पर जीत नहीं पाई। और उसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है। पहले वो लोकसभा चुनाव वहां से लड़ती आई, इसके बाद उनके पुत्र दुष्यंत वहां से चुनाव लड़ते आए और जीतते भी आए हैं। लेकिन जब अतीत का जिक्र किया गया तो एक और अतीत हम आपको बताते हैं। राजस्थान और लोकसभा चुनाव का अतीत है, 1957 में विपक्षी दल का एक भी सांसद नहीं जीता था। कुल 22 सीटों पर चुनाव उस दौरान हुए थे। कांग्रेस पार्टी के 19 सांसद जीते थे, विपक्षी दल जनसंघ का कोई भी सांसद नहीं जीता था। हालांकि निर्दलीय 3 सांसद यहां पर जीते थे। अब इसको जरा एक पायदान और पीछे ले जाइए, जिक्र 1952 का कीजिए। आजादी के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान 20 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुआ। कमाल की बात यह है कि उन 20 में से महज 9 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1957 यानी कि महज 5 साल के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता राजस्थान में बढ़ती नजर आई। 22 सीटों में से 19 पर उसने जीत दर्ज की। 9 सीटों पर निर्दलीय जीते थे 1952 में, 1957 आते आते वो महज 3 सांसद रह गए थे। अब जिक्र जरा विधानसभा में पराजित कांग्रेस के नेताओं का कर लेते हैं, क्योंकि ये नेता लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। अब ये कौन कौन है जरा देखिए। गिरिजा व्यास चाह रही है चित्तौड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ना। उदयपुर शहर से हार गई थी विधानसभा का चुनाव। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस में वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पहले भी चित्तौड़ से सांसद वो रह चुकी हैं। एक और नाम है धीरज गुर्जर, वो भीलवाड़ा से लोकसभा का टिकट चाह रहे हैं। जहाजपुर से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं वर्तमान में धीरज गुर्जर। भीलवाड़ा में गुर्जर मतदाताओं की बहुलता है और पहले
जहाजपुर से विधायक रह चुके हैं, यानी कि एक तरफ भीलवाड़ा और दूसरी तरफ चित्तौड़। दो हारे हुए नेता, लेकिन दोनों अपने इलाके में एक मजबूत पकड़ रखते हैं और इसीलिए दावेदारी यहां पर जताई जा रही है। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो एक समय में कांग्रेस की धुरी रहे लेकिन विधानसभा में हार गए और अब लोकसभा में एंट्री चाहते हैं। यही हमारी अगली खबर है। कांग्रेस के पराजित नेता चाह रहे हैं लोकसभा का टिकट। रामेश्वर डूडी, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वो चूरू से लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। नौका से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। इनका प्लस पॉइंट है जाट नेता की छवि और किसान नेता। रघुवीर मीना चाह रहे हैं उदयपुर से लोकसभा का टिकट। पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, सलूंबर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की सबसे शीर्ष संस्था CWC के सदस्य हैं। प्लस पॉइंट है पहले उदयपुर से सांसद रह चुके हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं ने अपनी जमीन को गवा दिया, वो लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जमीन को वापस पाना चाहते हैं। जो सियासी प्रतिष्ठा उनकी थोड़ी कमजोर हुई, उसको एक बार फिर से मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का जिक्र करते हैं क्योंकि यहां पर कई नेताओं का मिलना लगातार जारी है। मदनलाल सैनी से राम कुमार भूतड़ा मिले, चंद्रशेखर से भी मुलाकात की गई है। भूतड़ा दरअसल राजसमंद से टिकट चाह रहे हैं। वैश्य समाज के बड़े छत्रप हैं भूतड़ा और बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी हैं भूतड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे, एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आतंक पर सियासत हो रही है, क्या सियासत का सिर्फ एक सिक्का आपको दिखाया जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। दरअसल ये सियासत की तासीर है, जहां जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई खबरों का एक अलग असर होता है। संभावना होती है, अटकलें होती हैं, कयास होते हैं। इसे आप जो भी कहें, ये सुनी सुनी राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबान। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर और थोड़ी खुसर फुसर, यही तो है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं कि पूर्वी राजस्थान के एक नेताजी, जिनकी 10 जनपद में बड़ी नजदीकियां हैं, आजकल असमंजस में हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि नेताजी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। उनके करीबी बताते हैं कि खुन्नस अपनों पर भी निकल रही हैं, आजकल बेहद बात बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विरोधी गुट इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस बार यदि नेताजी ने मना किया तो विरोधी गुट से चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं होने वाला। देखना है कि नेताजी समय को भांपते हुए चुनाव लड़ते हैं या कुछ और जुगाड़ बैठाते हैं। सुनते हैं शेखावाटी के नेताओं में दिल्ली जाने की बड़ी छटपटाहट है। वहां स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो चली है। एक विधायक बने नेताजी भी इस बार हर हाल में दिल्ली दरबार में अपनी धमक चाहते हैं, जुगाड़ भी खूब लगा रहे हैं। पड़ोसी जिले की सीट से लेकर राजसमंद तक साहब की नजर है। अब देखना है आलाकमान मानता है या नहीं मानता, लेकिन साहब हैं कि पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सुनते हैं भाजपा के नेता देवी सिंह भाटी, जो लगातार अर्जुन मेघवाल का विरोध कर रहे थे और एक नया फॉर्मूला लेकर आए थे कि SC की सीट पर मेघवाल की बजाय दूसरी जातियों को भी मौका दिया जाए। अब यह फॉर्मूला उन्हीं के कैंप के एक सांसद पर संकट लेकर आया है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने सीमावर्ती जिले में यह फॉर्मूला चलाने की सोची है। ऐसे में भाटी के कैंप के सांसद की ही टिकट कट सकती है। इसे ही कहते हैं होम करते ही हाथ जलना। इलेक्शन डीएनए में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रश्न या न्यूज के साथ और आगे देखिए खबरों का फटाफट बुलेटिन। स्टे ड्राइव मेरी सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी के साथ।